हेलो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं IRCTC के बारे में, मतलब दोस्तों इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों IRCTC का जो अभी प्राइस आ चुका है दोस्तों 980 रुपीज़, मतलब कि दोस्तों ये जल्द ही 1000 रुपीज़ को टच करने वाला है। अगर आप इसमें देखते हैं इसका चार्ट, तो ये रहा दोस्तों, ये देखिए मैं आपको कुछ दिनों का चार्ट दिखा रहा हूँ। इसने देखिए यहाँ पर लोएस्ट बनाया था दोस्तों 780 रुपीज़ के आसपास इसने लोएस्ट बनाया था, ठीक है दोस्तों। 780 रुपीज़ के बाद, लोएस्ट बनाने के बाद ये स्टॉक देख सकते हो वापस जो है ये 1000 रुपीज़ के मूड में आने लगा है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, वापस जो है ये स्टॉक जो है 1000 रुपीज़ के मूड में आने लगा है। तो देखिए ये जल्दी दोस्तों मुझे लगता है कि 1000 का लेवल तोड़ेगा। लेकिन क्या एक चीज़ डाउट करने वाला, अगर आप IRCTC खरीदना चाहते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये दोस्तों ऑपरेटर की चाल है, ठीक है। ये ऑपरेट कर रहा है दोस्तों ये स्टॉक को। अब पूछेंगे कुछ लोग कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे चल नहीं रहा, ठीक है, पूरा इंडियन रेलवे बंद है। और उसके बाद इसका जो IRCTC का एक और बिजनेस है वो है दोस्तों कैटरिंग का, ठीक है। तो कैटरिंग भी बंद है, वो भी नहीं चल पा रहा। अब दोस्तों जब दोनों में से कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा है, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा तो फिर IRCTC को रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है? जीरो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जीरो प्रॉफिट होने के बावजूद ये दोस्तों 20-25% का ये जो है बाउंस बैक कैसे दिया स्टॉक ने, तो ये ऑपरेटर की चाल है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से स्टॉक उसको नहीं नीचे लेके जाना है इसलिए। और हाँ, जब गिरेगा तो थोड़ी बहुत गिरावट भी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों ये ऑपरेटर की चाल है, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ फाइनेंशियल कंडीशन दिखाऊं दोस्तों IRCTC का, अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन दिखाता हूँ यहाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2017, 2018 और 2019 में, ठीक है दोस्तों 17 और 18 दोनों एक ही है, ठीक है। 17 और 18 में क्या हुआ दोस्तों, जो है 0.22 प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन दोस्तों 2019 में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 0.030 हो गया, मतलब ठीक है 0.030 के आसपास, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो है क्या हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ। लेकिन अब भी क्या हुआ दोस्तों, अभी इसका जो प्रॉफिट है 2020 में प्रॉफिट डिक्रीज यहां पर आपको दिखाएगा। अब पूछेंगे कैसे, कैसे कि आप देख सकते हो जब तक लॉकडाउन नहीं टूटा है दोस्तों IRCTC को नुकसान नहीं हो रहा, और कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं हो रहा, पूरा बिजनेस को अगर हम शुद्ध हिंदी में बोलते तो ठप पड़ा है दोस्तों इसका हर एक बॉगी, मतलब सब कुछ अभी कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो हाँ, एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। IRCTC को यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आप कुछ लोग ये भी सोचना चाहते हैं कि हमें कैसे खरीदना चाहिए IRCTC को, किस प्राइस पर और कब खरीदना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। IRCTC को खरीदना कैसे है सबसे पहले वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, अभी आपको क्या करना है दोस्तों, अपने कैपिटल का, मान लीजिए आप IRCTC में 100 रुपीज़ लगाना चाहते हो, ठीक है, केवल आप 100 रुपीज़ लगाना चाहते हो, तो अभी आप क्या करो, अपना कैपिटल का 20% रुपीज़ यहाँ पर लगा दो दोस्तों, 20%, ठीक है। अगर अभी आप 20% लगा दोगे तो आपके पास बचेगा कितना दोस्तों, अभी आपके पास 80% बचा हुआ है, ठीक है। तो जब भी स्टॉक में थोड़ा बहुत डाउनफॉल आता है तो दोस्तों आप अराउंड 15% या 20% के आसपास आप फिर से लगा दीजिए, ठीक है, 15 या 20% क्या फिर से लगा दीजिए। ऐसे करते करते ही दोस्तों आपको फिर से, मान लीजिए अगर स्टॉक का प्राइस गिरता है तो फिर मान लीजिए कि दोस्तों 15% या 20% के आसपास आप लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो नीचे वाला बेस बनेगा ना, नीचे वाला जो बेस बनेगा ना IRCTC का, वो बहुत अच्छा बेस बनेगा और एवरेज भी आपका अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए अगर स्टॉक, मान लीजिए ऐसे डाउनफॉल होता है, अगर डाउनफॉल होता है तो आपका जो ये बेस बनेगा ना बहुत अच्छा बनेगा, आपको लॉस होने का चांसेस बहुत बहुत कम रहेगा, और जब आपको प्रॉफिट होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप IRCTC को खरीदो, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और ये वीडियो मैं आपको दूसरा बार बना के दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो उस टाइम दोस्तों इसका जो प्राइस चल रहा था अराउंड 760 के आसपास चल रहा था, और 760 के आसपास चलने के बाद ये दोस्तों 2000 को टच कर दिया था, ठीक है। 2000 को टच करने में केवल 5 रुपीज़ बाकी रह गया था, तो दोस्तों ये 2000 टच कर दिया था, मतलब 2 गुना से भी पैसा ज़्यादा कर दिया था, ठीक है, 2 गुना से भी पैसा ज़्यादा कर दिया था। और मैं अभी इस प्राइस पर भी आपको बोल रहा हूँ खरीदने के लिए, ठीक है, पीछे मुड़ना नहीं है, ठीक है, पीछे नहीं मुड़ना है, हमें आगे जाना है, आगे जाना है, ठीक है, हमें आगे जाना है, क्योंकि आपको प्रॉफिट करना है। और ये दोस्तों गिरे हुए मार्केट में आपको इसलिए खरीदने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको लॉकडाउन जो है जब टूटेगा दोस्तों IRCTC का, ये लॉकडाउन टूटने के बाद IRCTC स्टार्ट हो जाएगा और फिर से ये जो है वापस अपना रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको उस प्राइस पर खरीदना है, ठीक है, खरीदने का तरीका सही रहना चाहिए और दोस्तों प्राइस सही रहना चाहिए, आपको प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशनल वीडियो लगा दोस्तों, तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, और मिलते हैं हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।